नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल सेशन में। आज 18 मार्च 2019 और आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्राइस्ट चर्च मैसेकर के बारे में। सभी लोगों को पता है क्राइस्ट चर्च मैसेकर जो हुआ है, आज हम उसी घटना के बारे में डिस्कस करते हैं। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा हेडिंग आप देख पा रहे हैं, क्राइस्ट चर्च मैसेकर, मैसेकर मतलब समझ में आ गया आपको, नरसंहार। अब वेकअप कॉल, वेकअप कॉल मतलब होता है अब वी हैव टू रिएक्ट, वी हैव टू टेक एक्शंस, टाइम आ गया है जागने का, ठीक है। द अटैक ऑन मॉस्क्यूज इज अ वेकअप कॉल ऑन द एंटी इमिग्रेशन वाइट सुपरमैसिस्ट कल्ट। ये सब हेडिंग है। इसमें क्या है, पहले मॉस्क्यू का मैंने लिखा नहीं, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद होता है जहाँ पे मुस्लिम लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं, मॉस्क्यूज कहते हैं उसे। तो द अटैक ऑन मॉस्क्यूज, जो मॉस्क्यू में अटैक हुआ, इज अ वेकअप कॉल, ये एक वेकअप कॉल है। वी हैव टू रिएक्ट, वी हैव टू टेक एक्शंस, ये वेकअप कॉल है हमें जागने के लिए, जगाने के लिए वेकअप कॉल है। ऑन द एंटी इमिग्रेशन, जो एंटी इमिग्रेशन होता है अप्रवास, जो गलत इलीगल ढंग से जो प्रवास करते हैं किसी भी देश में, उसको एंटी इमिग्रेंट बोलते हैं। तो एंटी इमिग्रेशन के लिए हमें वेकअप कॉल है, जागने की ज़रूरत है। एंड अलॉन्ग विद दैट वाइट सुपरमैसिस्ट कल्ट, धर्म संप्रदाय होता है, कल्ट मतलब पंथ होता है। सुपरमैसिस्ट क्या होता है, सुपरमैसिस्ट मतलब होता है समवन हु बिलीव्स दैट अ पर्टिकुलर टाइप और ग्रुप ऑफ पीपल शुड लीड और हैव कंट्रोल ओवर द अदर टाइप्स और ग्रुप्स ऑफ पीपल बिकॉज दे बिलीव दे आर बेटर, अ वाइट सुपरमैसिस्ट। देखिए, सुपरमैसिस्ट आपको समझ में आ गया कि ये एक ऐसा थॉट है, ग्रुप है, टाइप है, लोगों का ग्रुप है जो सोचते हैं कि हमारा कंट्रोल होना चाहिए और अदर टाइप के ग्रुप के ऊपर। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ कि वाइट सुपरमैसिस्ट अगर मैं बोलता हूँ, मतलब गोरे लोग ये सोचते हैं कि काले लोग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए गोरे लोग का, तो ये एक वाइट सुपरमैसिस्ट हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल के तौर पे दिया, कोई इस पर बुरा मानने वाली बात नहीं है गोरे और काले को लेकर के। तो ये बात हुई कि जो अटैक है मॉस्क्यू पे, वो एक एंटी इमिग्रेशन और वाइट सुपरमैसिस्ट थॉट जो है, इसके लिए एक वेकअप कॉल है। न्यूजीलैंड वॉज शेकन, शेक मतलब आपको पता है हिलाना होता है, तो न्यूजीलैंड वॉज शेकन टू इट्स कोर, न्यूजीलैंड को इसके कोर तक हिला के रख दिया। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, वेन एट लीस्ट 49 पीपल वर किल्ड बाय अ गन मैन इन टू मॉस्क्यूज इन क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च में दो मॉस्क्यू के अंदर में ऑलमोस्ट 49 पीपल मारे गए इस घटना के बाद शुक्रवार को। इसके वजह से न्यूजीलैंड पूरी तरह से हिल गई। ब्रैंटम हैरिसन टैरेंट द सस्पेक्ट, यह सस्पेक्ट का नाम है ब्रैंटन हैरिसन टैरेंट, द सस्पेक्ट लाइव स्ट्रीम्ड द मैसेकर ऑन सोशल मीडिया आफ्टर रिलीजिंग अ वाइट सुपरमैसिस्ट मैनिफेस्टो दैट कॉल्ड फॉर रिमूविंग द इन्वेडर्स एंड रीटेकिंग यूरोप। ये जो सस्पेक्ट है, उन्होंने क्या किया, लाइव स्ट्रीम मतलब होता है कोई भी चीज़ को आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, मतलब वो लाइव चीज़ें आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लाइव स्ट्रीम वीडियो सेशन लूँगा, दैट मीन्स मैं लाइव रहूँगा, आप जुड़ेंगे लाइव सेशन में, मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग होती है। लाइव स्ट्रीम द मैसेकर, मैसेकर को जो ये काफ़ी ड्रेस्टिक ट्रेजडी थी, उसको उन्होंने लाइव स्ट्रीम कर दिया ऑन सोशल मीडिया आफ्टर रिलीजिंग अ वाइट सुपर मैसिस्ट मैनिफेस्टो। एक सुपर मैसिस्ट मैनिफेस्टो रिलीज किया उन्होंने। मैनिफेस्टो आप पता है आपको क्या होता है, मैनिफेस्टो में जो जैसे पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो निकालती है, उसमें लिखती है वो क्या क्या करेंगे, उनका एक सोच दर्शाता है। तो इसी तरह इन्होंने भी अपना एक सुपर वाइट सुपर मैसिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया। इसके जारी करने के बाद उन्होंने लाइव स्ट्रीम किया मैसेकर को सोशल मीडिया पे। दैट कॉल्ड फॉर, उसमें मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या बोला, रिमूविंग द इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मतलब उन्होंने कहा आक्रमणकारियों को निकालो, रिमूविंग
एंड रीटेकिंग यूरोप, और यूरोप को फिर से वापस लो, प्राप्त करो, इन्होंने ये कहा। ठीक है, मैनिफेस्टो में क्या कहा, इन्वेडर्स को निकालो और यूरोप को वापस अपने कब्जे में लो। द 27 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलियन हु द अथॉरिटीज सेड वॉज नॉट ऑन एनी इंटेलिजेंस वॉच लिस्ट, ये जो 27 साल के ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलियन इनके बारे में अथॉरिटी ने कहा कि ये किसी तरह से इंटेलिजेंस वॉच लिस्ट में नहीं थे। अपेरेंटली ट्रैवल टू न्यूजीलैंड टू कैरी आउट द अटैक, अपेरेंटली मतलब होता है कि शायद, परहैप्स, मतलब निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, बट शायद उन्होंने ट्रैवल किया न्यूजीलैंड ये कैरी आउट करने के लिए अटैक को। ठीक है, अपेरेंटली मतलब आप जब कुछ चीज़ें सर्टेन नहीं होती है और अपेरेंटली यूज करते हैं वहाँ पे, अपेरेंटली इस सेंस में कि जैसे अगर मान लीजिए रेन होने की संभावना, बट यू डोंट नो वेदर इट विल हैपन और नॉट, तो अपेरेंटली आप वहाँ यूज करते हैं कि अपेरेंटली ओके इट मे रेन, तो ये एक कहने का तौर पे अस्पष्ट चीज़ों को दर्शाता है। तो ट्रैवल टू न्यूजीलैंड उन्होंने आया कैरी आउट करने के लिए अटैक को। हिज टारगेट्स वर क्लियरली मुस्लिम, उनका टारगेट जो है स्पष्ट रूप से मुस्लिम थे। हु मेकअप लेस देन 1% ऑफ न्यूजीलैंड पॉपुलेशन, जो न्यूजीलैंड के 1% पॉपुलेशन में उनका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन नहीं मतलब उनका जो न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन है वो बनता है इनके 1% आबादी से, मुस्लिमों की 1% की आबादी है मुस्लिम की न्यूजीलैंड में, टोटल पॉपुलेशन का 1%। मेकअप मतलब होता है, मेकअप एक फ्रेजल वर्ब है, द मेकअप ऑफ समथिंग और समवन इज टू कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स दैट फॉर्म इट, मैं बताया ना कि कोई फॉर्म होती है कोई चीज़, तो क्या मेकअप हो रही है, मतलब वहाँ का पॉपुलेशन फॉर्म होता है 1% मुस्लिमों को मिला करके। द मैनिफेस्टो एंड द सिम्बॉल्स ही कैरीड सजेस्ट दैट ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई फार राइट टेररिस्ट एंड देयर एंटी मुस्लिम, एंटी इमिग्रेशन एंड एंटी सेमिटी आइडियोलॉजी। देखिए क्या है कि द मैनिफेस्टो एंड द सिम्बल्स ही कैरीड, जो मैनिफेस्टो और जो सिम्बल वो कैरी किया था उन्होंने, वो सजेस्ट करता है, इशारा करता है कि ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, वो प्रभावित था फार राइट टेररिस्ट से, बताऊंगा फार राइट टेररिस्ट क्या होता है, फार राइट क्या होता है, और फार राइट टेररिस्ट एक दो हैं, उन्होंने भी इस तरह की कुछ घटनाएं की हैं, तो उनसे ये प्रभावित था। और एंड देयर एंटी मुस्लिम उनका जो थॉट था उससे भी ये प्रभावित थे, एंटी इमिग्रेशन के वजह से ये भी एंटी इमिग्रेशन चाहते थे, एंटी सीमाइट क्या होता है, एंटी सेमिटी मतलब होता है जो ज्यूइश को एंड पसंद नहीं करने वाले लोग, ज्यूइश एक रेस है जो यहाँ पर ज्यूस जो इजराइल में रहते हैं लोग, उनको पसंद नहीं करते हैं, एंटी सीमाइट आइडियोलॉजी। तो ये पूरा हो गया यहाँ पे। अब फार राइट का मतलब डिस्कस करते हैं। फार राइट का मतलब होता है यूज टू रेफर अ पॉलिटिकल ग्रुप हुज ओपिनियंस आर वेरी एक्सट्रीम। ओके, एक दूसरे सेंस में अगर बोले तो द फार लेफ्ट होता है, द फार लेफ्ट इज द पॉलिटिकल पोजिशन दैट इज मोस्ट लिबरल एंड द फार राइट इज द पॉलिटिकल पोजिशन दैट इज मोस्ट कंजर्वेटिव। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप यहाँ देख सकते हैं फार राइट फार लेफ्ट क्या होता है। ही केम इन मिलिट्री फटीग, उन्होंने क्या मिलिट्री की वर्दी पहनी थी, और नियोनाजी एम्बलम, नियोनाजी का एक प्रतीक चिन्ह लगा के रखा था, एंड वॉज लिसनिंग इन हिज कार टू अ सॉन्ग डिवोटेड टू बोस्नियन वॉर क्रिमिनल रेडोवन कैराजिक। ओके, देखिए उन्होंने क्या किया, वो एक वर्दी में थे, मिलिट्री वर्दी में थे, नियोनाजी सिम्बलम लगा के रखा था उन्होंने, और गाना एक कार में वो सॉन्ग सुन रहे थे जो डिवोट करता था बोस्नियन वॉर क्रिमिनल के लिए, जो डिवोटेड सॉन्ग था वो सॉन्ग सुन रहे थे। द मैनिफेस्टो लाउड्स एंड्रिक ब्रेविक द नॉर्वियन फार राइट टेररिस्ट हु किल्ड 77 पीपल इन 2011 एंड रिलीज्ड 15-18 पेज रेसिस्ट मैनिफेस्टो।
ये जो मैनिफेस्टो है वो लाउड्स करता है, यानी बताता है, प्रशंसा करता है एंड्रेज ब्रीविक को, एक नॉर्वियन फार राइट टेररिस्ट थे जिन्होंने 77 पीपल को 2011 में मौत के घाट उतारा और रिलीज किया था 1518 पेज का एक रेसिस्ट मैनिफेस्टो। रेसिस्ट मतलब आपको पता है, रेसिस्ट मतलब जो जाति संप्रदाय से घृणा करते हैं, एक रेस से, जब ब्लैक है वो गोरे हैं, इस तरह का जो होता है नस्लभेदी सोच वाले, उसको रेसिस्ट कहते हैं। He saw President Donald Trump as a symbol of renewed white identity and common purpose. वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना एक वाइट सिंबल के तौर पे देखते हैं, एक नए वाइट आइडेंटिटी के तौर पे, और कॉमन पर्पस है दोनों का, उसको इस तरह देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ये इस वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कभी न कभी कहा है कि मुस्लिमों को अपने देश में घुसने नहीं देंगे, उनका जो सोच है उनसे इसीलिए मैच करता है ये जो अभी इन्होंने अटैक किया है। राइट विंग रेसिस्ट टेरर विच हैज़ लार्जली बीन ऑन द फ्रिंजेस इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर। ये जो राइट विंग रेसिस्ट टेरर है ये पहले ज़्यादातर पोस्ट वर्ल्ड वॉर के समय था और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था एक्टिविटी ये। इज इमर्जिंग एज अ मेजर पोलिटिकल एंड सिक्योरिटी थ्रेट। अब क्या है, ये राइट विंग टेररिस्ट से, राइट विंग रेसिस्ट टेरर जो है ये उभर रहा है एक मेजर पोलिटिकल और सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में, स्पेशली इन वाइट मेजॉरिटी सोसाइटी। ज़्यादातर ये वाइट मेजॉरिटी सोसाइटी में ही ये उभर रहा है। इन रिसेंट टाइम्स, हाल के वर्षों में, मॉस्क्यूज इन जर्मनी एंड फ्रांस हैव बीन टारगेटेड। अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ, मॉस्क्यूज जर्मनी के मॉस्क्यूज में और फ्रांस के मॉस्क्यूज में ये टारगेट हुए हैं। इन ब्रिटेन एन एमपी वॉज स्टैब्ड। ब्रिटेन में एक एमपी को छुरा घोंप के टू डेथ, स्टैब टू डेथ, मरने तक उनको मार दिया गया, छुरा घोंप के मार दिया गया। एंड इन यूएस अ सिनोगोग वॉज अटैक्ड लिविंग 11 पीपल डेड। यूएस में क्या, एक बिल्डिंग इन विच ज्यूइश पीपल वर्शिप एंड स्टडी देयर रिलीजन, जो ज्यूइश पीपल जहाँ पे पढ़ते हैं, अपने स्टडी करते हैं, पूजा करते हैं, उसको सिनोगोग बोलते हैं। तो सिनोगोग अटैक हुआ था वहाँ पे यूएस में, और इस घटना के बाद वहाँ पे 11 पीपल डेड हो गए थे। इन मोस्ट केसेस द अटैकर्स वर ऑब्सेस्ड विथ इमिग्रेशन एंड द फार राइट आइडियाज ऑफ यूरो क्रिश्चियन वाइट रेशियल प्योरिटी विच इज़ फंडामेंटली नॉट डिफरेंट फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ द नाजीज। देखिए क्या है, हाल के जो केसेस में हुए हैं, अटैकर्स वर ऑब्सेस्ड, अटैकर्स के अंदर एक जुनून सवार थी विथ इमिग्रेशन एंड द फार राइट आइडियाज। इमिग्रेशन और फार राइट आइडिया है उनके, फार राइट आइडियाज जिसमें यूरो क्रिश्चियन वाइट रेशियल प्योरिटी के बारे में बात करता है वो, ये इनके अंदर में जुनून सवार था जो कि फंडामेंटली अलग नहीं है आइडियोलॉजी ऑफ नाजी। नाजी का जो आइडियोलॉजी था उससे किसी तरह से ये अलग नहीं है। The language these attackers use resembles that of mainstream anti-immigrants politicians in Western countries. क्या है कि जो लैंग्वेज है इन अटैकर्स का, यूज कर रहे हैं जो अटैकर्स, वो रिसेंबल करता है, मिलता जुलता है किन से, दैट ऑफ मेन स्ट्रीम एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिशियंस। अभी के समय में जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में जो पॉलिटिशियंस है, एंटी इमिग्रेंट्स पॉलिटिशियंस है, उनके विचारधारा से मिलता है, रिजेंबल करता है इन अटैकर्स की सोच का, लैंग्वेज में, भाषा और सोच का, इन वेस्टर्न कंट्रीज जो पश्चिमी देश में है। सच एज एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, मिस्टर ट्रंप हु वॉन्टेड टू बैन मुस्लिम फ्रॉम एंटरिंग द यूएस। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया कि जो रिजेंबल करता है एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिशियंस से इन अटैकर्स की लैंग्वेज, तो पहला एग्जांपल में मिस्टर ट्रंप का आया जो चाहते हैं कि मुस्लिमों को बैन कर दिया जाए यूएस में घुसने से। दूसरा एग्जांपल है विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी है
who wants to defend Christian Europe. वो चाहते हैं कि Christians को Europe में defend किया जाए, रक्षा दिया जाए, रक्षा किया जाए उनका, ठीक है. और Italian interior ministers Matteo Salvini, known for his hardline views on migrants. इसके अलावा एक example Italian interior minister का दिया गया, जो कि माइग्रेशन को लेकर के काफ़ी हार्डलाइन व्यूज़ रखते हैं. तो कहा गया कि ये रिजेंबल करता है लैंग्वेज, जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस हैं उनका लैंग्वेज मैच करता है अटैकर्स के भाषा से. रिजेंबल्स मतलब होता है, ये रिजेंबल्स मतलब होता है टू लुक लाइक और बी लाइक समवन और समथिंग. लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ यू रिजेंबल्स योर मदर वेरी क्लोजली, मतलब आप अपनी माँ की तरह दिखते हैं, लगते हैं. आफ्टर दैट अर्थक्वैक द सिटी रिजेंबल्ड अ बैटल फील्ड. अर्थक्वैक के बाद सिटी जो है एक बैटल फील्ड की तरह लगने लगी, रिजेंबल्ड कर रही है, ठीक है. बी साइड्स इसके अतिरिक्त अ नंबर ऑफ फार राइट पार्टीज नोन फॉर देयर इस्लामोफोबिया. ऐसे नंबर ऑफ फार राइट पार्टीज हैं, फार राइट मतलब बताया मैंने फार राइट सोच के पार्टीज है, जो कि इस्लामोफोबिया के लिए जानी जाती है. वाइट नेशनलिस्ट व्यूज आर आइदर इन पावर इन यूरोप और आर ऑन द राइज. वाइट नेशनलिस्ट व्यूज या तो पावर में है या फिर यूरोप में वो राइज में है, यानी बढ़ रहे हैं, वो राइज में है, ऊपर उठ रहे हैं. बी इट द फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया, या एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए तो बी इट द फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में जो पार्टी है. द AfD ऑफ जर्मनी और द नेशनल फ्रंट ऑफ फ्रांस. ये जो इन सब फार राइट पार्टीज जो है या तो सत्ता में है या फिर उभार में है, उभार में है. जैसे फ्रीडम पार्टी के बारे में बताया गया, AfD के बारे में और नेशनल फ्रंट ऑफ फ्रांस के बारे में. While they and their leaders set the broad contours of anti-immigrants, जबकि वे और उनके जो नेता लोग हैं इन पार्टियों के एक broad contours बनाते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं एंटी इमिग्रेंट्स को लेकर के, एंटी मुस्लिम को लेकर के, एंटी सेमिटिक को लेकर के, पॉलिटिक्स एज पार्ट ऑफ देयर नेशनल नरेटिव्स. और अपने राष्ट्रीय कहानी में नेशनल नरेटिव्स के तौर पे ये इन सब चीज़ों की रूपरेखा तैयार करते हैं, एंटी इमिग्रेंट्स, एंटी मुस्लिम, एंटी ज्यूस, अपने राजनीति का एक हिस्सा बना के रखे हैं, पॉलिटिक्स एज पार्ट ऑफ देयर नेशनल नरेटिव्स. नियो नाजीज सच एज ब्रेविक एंड क्राइस्ट चर्च शूटर्स आर किलिंग कॉमन पीपल. नियो नाजीज सच एज, जैसे ब्रेविक ने क्या किया, एंड क्राइस्ट चर्च शूटर्स आर किलिंग कॉमन पीपल. इसके ये जो काउंटर्स बनाते हैं इन लोग, ब्रॉड काउंटर्स, रूपरेखा बनाते हैं एंटी मुस्लिम, एंटी इमिग्रेंट्स, इसके वजह से क्या होता है, ये इस तरह के जो ब्रेविक लोग जैसे लोग हैं, क्राइस्ट चर्च शूटर्स हैं, कॉमन लोगों को मारते हैं, एक आम इंसान को मारते हैं. सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड शुड वेक अप टू द ग्रोइंग डेंजर राइट विंग रेसिस्ट टेररिज्म पोजेस. जो वर्ल्ड वाइड में जो सोसाइटीज़ हैं उनको एक वेकअप कॉल है, वेकअप है, उनको जागना चाहिए, जागृत होना चाहिए. ग्रोइंग डेंजर जो है, बढ़ता हुआ खतरा है राइट विंग रेसिस्ट टेररिज्म का, पोजेस एंड नॉट व्यू इट एज मेयर आइसोलेटेड इरेशनल रिस्पॉन्स टू द इस्लामिक टेरर. इसे बढ़ती जो खतरे हैं, बढ़ते खतरे हैं उसके उसको लेकर के हमें जागना चाहिए. ये राइट विंग टेररिस्ट जो रेसिस्ट टेररिज्म है ये पोज करता है, उत्पन्न करता है खतरे, काफ़ी खतरा जो उत्पन्न करता है इसके, इसको लेकर के हमें जागृत होना चाहिए. इसको एक केवल आइसोलेटेड अलग घटना के तौर पर नहीं देखना चाहिए, और ये इरेशनल रिस्पॉन्स भी नहीं देना चाहिए कि ये इस्लामिक टेरर का रिस्पॉन्स के तौर पे इसको देखना नहीं चाहिए. तो इरेशनल यानी तर्कहीन रिस्पॉन्स भी इज नॉट एक्सपेक्टेड. इसको ये पॉजिटिवली कहा जा रहा है कि ये ग्रोइंग डेंजर है जो टेररिज्म, राइट विंग टेररिज्म, रेसिस्ट टेररिज्म उत्पन्न जो करता है ये खतरा, इसको लेकर के हमें जागने की ज़रूरत है, और इसको एक इस्लामिक टेरर के डेटरेंस के रूप में नहीं देखना चाहिए. इट हैज़ To be fought politically, ये इसको एक पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से इसको फाइट करने की ज़रूरत है. By driving a counter narrative to white supremacism, एक काउंटर नरेटिव चलाने की ज़रूरत है जो सुपर वाइट सुपर मैसिज्म है इसके
अगेंस्ट में एक काउंटर नरेटिव स्टार्ट करने की ज़रूरत है पॉलिटिकली, एंड बाय यूजिंग द सिक्योरिटी एपरेटस और सिक्योरिटी एपरेटस उपकरण भी यूज करके, एपरेटस मतलब उपकरण होता है, तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म से भी इसको ठीक करने की ज़रूरत है। दो, एलोकेशन ऑफ एनफ रिसोर्सेज टू टैकल ऑल थ्रेट्स ऑफ वायलेंस थ्रू एलोकेशन ऑफ एनफ रिसोर्सेज टू टैकल ऑल थ्रेट्स ऑफ वायलेंस, जितने भी ऑल थ्रेट्स ऑफ वायलेंस है उसको टैकल करने के लिए, और जो भी एलोकेशन करना है रिसोर्सेज का उसको करके इसको, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए हमें। होपफुली ये समाप्त हो गया है। अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर से ज़रूर शेयर करें पसंद आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।